फर्स्ट टाइम एवर शिंकुला पास ऑन माय हल्क। लक्ष्य को हर हाल में पाना है। और बॉय अरे बॉय हिप हॉप फुल ऑफ रोड। अरे भाई मिट्टी देखो कितनी है। और ये देखो धीरज भाई बहुत थक गए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत ही सुंदर बन रही है। गुड मॉर्निंग। पैर का क्या हाल है भाई? लग रहा नहीं है। नहीं लग रहा तो गुड मॉर्निंग ललित भाई। गुड मॉर्निंग। लास्ट व्लॉग में मैंने पता नहीं बताया नहीं था बट धीरज भाई के ना पैर में सूजन आ गई काफी ज्यादा, क्योंकि पता नहीं ये स्टैंड वैंड लगा या क्या हुआ, अब इनका पैर इतना सूज गया है। ये अलग ही लेवल पे सूजा हुआ, ये बम्प सब आना जो इस चक्कर में अभी समझ नहीं आ रहा है कि शुड बी कंटिन्यू या फिर हम क्या करें अभी। तो अभी हमने मतलब मैंने ये सोचा था कि इन लोगों के साथ ही जाऊंगा और इन्होंने सोचा था कि मेरे साथ ही जाएंगे। अब चलो पहले इसका थोड़ा इलाज करते हैं। कल हमने रात में गर्म पानी में इसको डाला था बट कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अगर इंस्टेंटली लगती है तो आइस पैक्स लगानी चाहिए, आइस पैक्स थे नहीं तो फिर ठंडे पानी में रखा, बट अभी कोई भी इम्प्रूवमेंट ज़्यादा लग नहीं रही है। सो लेट्स फिगर आउट कि क्या होता है। अभी जस्ट उठे हैं और फिर बाकी बातें नीचे जाके करते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी बज गए हैं सुबह के 8:40 और पेट्रोल भरवा लिया है फाइनली। पेट्रोल पंप मिल गया, और पेट्रोल पंप तो मिला था बट पेट्रोल नहीं था, तो वो जो टैंकर आया उसमें अभी पेट्रोल वगैरह जस्ट निकाल ही रहे थे तो हमने टाइमली भरवा लिया। और अभी चलते हैं, ललित भाई ने भी भरवाया है, मैंने भी भरवाया है। अब मैं सोलो राइड नहीं कर रहा हूँ, तो जो दूसरे भाई हैं डोमिनर वाले उनकी बाइक में फुल है तो उन्होंने नहीं डलवाया। अभी मुझे धीरज भाई है ना उनके लिए एक पेन किलर लेनी है बिकॉज उनका काफ़ी पैर सूजा है। तो ट्रिप्स में प्रॉब्लम आती है बट देखते हैं क्या पता आज राइड करें नहीं करें। 3 hours later तो फाइनली हमारी बाइक्स वगैरह रेडी हैं। हेलो गुड मॉर्निंग ललित भाई, इंट्रोडक्शन। सुबह तो हम सोते सोते इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो ललित भाई इनकी बाइक रेडी है हिमालयन। धीरज भाई थोड़ी इंप्रूवमेंट है बट देखते हैं राइड होती है नहीं, जैसा भी है पता चल जाएगा। एंड माय बाइक इज़ आल्सो रेडी, टॉप बॉक्स वगैरह लग गया है, टैंक बैग लगाता हूँ क्योंकि लगाने में टाइम लगेगा। जहाँ हम रुके थे ये है जी हिमालयन ग्रीनलैंड रेस्टोरेंट। तो इसका हमें जो रेट पड़ा वो है पड़ा 2200 एक बंद, मतलब एक रूम का तीन लोगों का 2200 एक्सक्लूडिंग फूड, तो फूड तो अलग से लिया। तो चलो अभी चलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते। अभी 9:30 बज गए हैं, ऑल दम 6 बजे उठ गए थे बट टाइम लग गया, फिर पैर वैर भी ठीक नहीं था तो टाइम लग गया, पेट्रोल भी भरा है। 9:30 बज गए, 11 बजे तक दारचा से छोड़ते नहीं हैं राइडर्स को जितनी भी गाड़ियाँ, तो 11 बजे दारचा तक ही है। तो फटाफट हम निकलते हैं, कुछ भी खाना वाना ब्रेकफास्ट वगैरह हम बाद में खाएंगे। वेलकम टू द मोटर व्लॉग ऑफ द डे 3 एंड राइट नाउ इट्स 10:30 इन द मॉर्निंग एंड वी हैव लेफ्ट फ्रॉम किलोंग टू पूर्णे और मे बी गौनपुर रंजन। तो गौनपुर रंजन यहाँ से दिखा रहा है 74 किलोमीटर्स, बट लास्ट लाइक ये जो हाईवे है दैट विल ओनली लास्ट टिल 50 किलोमीटर्स। सो 30 किलोमीटर्स का प्रॉपर ऑफ रोड है आज, सो इट्स अ टेस्ट डे। आज देखते हैं कैसा रहता है, बाइक्स कैसी परफॉर्म करती हैं। बहुत सारे राइडर्स आ भी रहे हैं और बहुत सारे राइडर्स जा भी रहे हैं, सो 11 बजे तक पहुँचते हैं, दर्चा से पहले पहुँच जाऊँगा। आज एक फ़न फैक्ट बताता, क्या हुआ अभी मैं सामान बांध रहा था होटल में तो 3 सब्सक्राइबर मिले मेरे को। मुझे बोलते हैं समृद्धि भाभी नहीं आई मेरे का यार समृद्धि का भी सबको क्रेज़ हो गया राइड करते हैं जब हम एक साथ, बट ये है कि इस बार टफ थी और समृद्धि ठीक भी नहीं है तो इसलिए हम लोग नहीं आए राइड पे। जिस पर 17 दिखा रहा है और बहुत ही सही रोड्स हैं यार, लुक एट द वेदर एंड लुक एट द माउंटेंस। सो लास्ट टाइम जब मैं इस रोड पे आया था लास्ट ईयर लद्दाख जब किया था मैंने समृद्धि और मैंने, तो हम लोग जिस्पा से जम्मू एक ही दिन में गए थे, तो आपको वो व्लॉग देखना चाहिए कितनी मेंटल पावर चाहिए, फिज़िकल पावर चाहिए उसके लिए। सो हम दोनों ने बींग अ कपल विद फुल लोडेड बाइक डोमिनर जिस्पा से जम्मू 650-650 किलोमीटर था, बहुत ही टफ राइड थी। हम सुबह 7 बजे निकले थे एंड वी रीच्ड जम्मू एट अराउंड 11:15 भाई साहब बहुत ही लंबा था। और अभी इस बार जिस्पा पहुंचने में मुझे 2 दिन लग गए। सो गाइस वेदर पे भी बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, तो
तो आप कभी भी ऐसा ट्रिप प्लान करो तो हमेशा 2-3 दिन बफर लेके चलो। तो दारचा पहुँच के, और दारचा का फेमस पुल, और अभी एंट्री कराएंगे। पहले चेक पोस्ट नीचे होता था, ऊपर आ गए अब आप। वो क्यों? हाँ यहाँ ले आए अब, लेकिन मैंने सोचा एंट्री के बाद खाना खाऊंगा। आगे है खाने के कुछ? आगे आप मिलेगा आप आगे जिंग सिंह पार्क। नहीं नहीं हम उधर जा रहे हैं शिंकुला। तो फिर क्या करें, वापस खा के आए क्या? खा के आओ। तो ऐसे एंट्री करवा लो, ठीक है, उसकी भी कर दो। वो आप आओ तब कर लेंगे एंट्री ना, आप खा के आओ ना तब एंट्री कर लेंगे आप। अच्छा ठीक है, हम तीन है, ठीक है, आओ तब करेंगे। पक्का पक्का ना? ठीक है। 30 minutes later. So the moment has arrived where we have to leave this Leh wala road. So ye ja raha hai Leh, and Shinkula is 39, Padam 143, Kargil 480. So we have arrived at this point. Ab checkpost yahi rakh diya inhone jahan pe turn hai. So Shinkula is 39. All set. Welcome to the Zanskar Road, finally onto the day 3. Let's enter. Valley अभी enter नहीं है, valley तो Zanskar जो valley है वो Shinkula pass cross करने पर enter होगी। But yeah, I'm super happy. धीरज भाई का पैर ठीक ठाक है, चला रहे हैं, हिम्मत है यार, दाद देनी पड़ेगी। गुजराती तो गुजराती भाई सारे जितने भी देख रहे हैं, भाई देखो आपका भाई क्या मस्त राइड कर रहा है। एंड ललित भाई आ गए हैं, मैं पीछे हूँ सबसे। अभी पापा को बता रहा था कि नेटवर्क आएगा नहीं, सो अगर आप यहाँ पर आते हो मेक श्योर यू टेल योर पेरेंट्स कि आगे नेटवर्क आएगा या नहीं। होपिंग फॉर अ वंडरफुल राइड। यहाँ से रास्ता ख़राब होगा 10-15 किलोमीटर बाद, बट होपफुली हम टाइमली पहुँच जाए। और हम लेट हैं तो इस वजह से हमें वाटर क्रॉसिंग्स बहुत मिलने वाली हैं। ये यहाँ का हेलीपैड है, हेलीपैड गाइज, ये यहाँ का हेलीपैड है, बहुत फेमस, बहुत सारे लोग यहाँ पे आके फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं। हम चलते हैं, रुकना यहाँ। हाँ ग्लव्स लगाओ। तो इन केस ऑफ एमरजेंसी इन Zanskar ये हेलीपैड काम आता है, अगर किसी को एयरलिफ्ट करना हो। बहुत सारे लोग यहाँ फंस जाते हैं Shinkula के अराउंड, यहाँ पे भी स्नोफॉल बहुत होता है, इसलिए एमरजेंसी के लिए हेलीपैड बनाया है, इसका ये एडवांटेज है। चलिए जी। ये सही था भाई। भाई मस्त लोग हैं यार, जो वर्कर्स है ना बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और कितने ज़्यादा खुश मिजाज हो। चलो जी, पहला वाटर क्रॉसिंग Zanskar का। Zanskar, तो ये है Zanskar। अरे 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 अरे, बीच में रोड बन गया है, थोड़ा थोड़ा नहीं बना है, सच इतना टफ है नहीं अभी तो, पता नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। हाँ बिकॉज Zanskar इज़ द मोस्ट टफेस्ट ट्रेल इन इंडिया। अभी ये सारा जो पानी दिख रहा है, यहाँ पे रोड नहीं था तो पूरा वाटर क्रॉसिंग आता था, अभी इन्होंने रोड बना दिए, तो BRO को फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ, बहुत मेहनत करते हैं भाई BRO वाले, सल्यूट है भाई। ये रोड इट्स ऐसी नहीं है, ये चढ़ाई है भाई, इससे फोर्थ गियर पे कर रही है भाई, तो सेकंड थर्ड पे ही चल रही है। और ये जो रोड है ना, ये जो रेत दिख रही है आपको, इस पे नहीं चलाना कभी, इसके बीच में नहीं चलाना, ये स्लिप है, कंकर हैं छोटे छोटे, स्लिप करते हैं। मेरा ऑफ रोडिंग टायर है, फिर भी थोड़ा सा हो रहा है। वाह अमेजिंग, ओह वाइट, प्योर वाइट एवरीवेयर। उतराई हमेशा ही टफ होती है चढ़ाई से एज पर माई एक्सपीरियंस, बट ये उतराई क्यों है, अभी Shinkula पास आने वाला है, चढ़ाई नहीं है क्या? ओहो
ओ हो, वो बीच में नदी सी बह रही है और पूरी बर्फ। जून के वेदर में आपको बर्फ दिखा रहा हूँ मैं। हा, फाइनली शिंकुला पास आ गया। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी आज, ज़्यादा मुझे ऑफ रोडिंग नहीं मिली ना वाटर क्रॉसिंग, बट द व्यू इज अमेजिंग हियर। क्या मस्त है, फर्स्ट टाइम एवर शिंकुला पास ऑन माय हल्क। यो शिंकुला पास हो गया भाई। क्या बढ़िया लग रहा है देखना। ओहो अमेजिंग यार, क्या सुंदर है भाई, पूरी बर्फ। दिस इज लाइफ। यहाँ से अब हम छोड़ देंगे हिमाचल, अब हम यहाँ से गेटवे टू जांस्कर वैली। लोग हटेंगे तो खिंचाते हैं फ़ोटो। अभी मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा GoPro 11 बंद था, अभी ऑन किया है। सो जांस्कर वैली स्टार्ट हो गई है, शिंकुला पास को बाय बाय कर दिया है, 3-4 वाटर क्रॉसिंग भी कर ली हैं लेकिन कैमरा ऑन नहीं था। चलो जी, चलो चलो चलो। ओहो अरे बाप रे बाप। ओहो लक्ष्य को हर हाल में पाना है। ओहो स्लिपरी है थोड़ा सा, बट कोई नहीं, मैनेज हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये ज़्यादा टफ है शिंकुला के नीचे। ओहो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पावर, आपके कंधों में जान होनी चाहिए भाई, टांगों में और कंधों में, ये सब करने के लिए। अरे बाप रे बाप, ये राइड में इसीलिए आया था भाई, एक्सट्रीम करने कुछ। Another one bites the dust. Oh, अरे बाप रे। अरे भाई। ओह, ये सही है। आज तो डोमिनर तेरा हल्क तेरा पूरा टेस्ट हो गया। कितनी जान है तेरे में और मेरे में कितनी जान है। जिम मारने का क्या फ़ायदा है अगर यहाँ पे बाइक नहीं चल पाई। एक और खड्डा। ओ भाई साहब, और भाई, ओहो ये बहुत ही सही था। और भाई और, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं, धीरज भाई वहाँ जा रहे हैं। धीरज भाई के लिए एक सल्यूट, पैर में दर्द होते हुए भी शिंकुला पास किया, वहाँ से उतराई भी आधी कर ली है हमने। गोनबो रंजन शायद वही है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ वाह भाई, तालियां आपके लिए। पैर सूजा भाई का, भाई फिर भी कैसे चलाई बाइक, मानना पड़ेगा थक गए हैं। हाँ डिफ़िकल्टी लेवल में कह सकता हूँ 8-9 out of 10, तो अगर एक्सपीरियंस नहीं हो तो मत आना। और ये ऐसे ना ऐसे घूम रहा है शरीर यहाँ पे, ये बहुत ऊपर नीचे हो गया। हाँ भैया कहाँ से हो? झारखंड। झारखंड से हो? कितनी देर से काम कर रहे हैं यहाँ पे? एक महीने से झारखंड। तो यहाँ पे क्या पगार वगार का है अच्छी? ये BRO से हो आप? तो ये सैलरी वाइज बेसिस पर होता है? हाँ। अच्छा तो यहाँ पे रास्ता कब बंद होता है? सर्दियों में ना। अभी तो आपको एक ही महीना हुआ वैसे। तो आपका काम क्या है, मतलब रास्ता क्लियर करना? रास्ता क्लियर, पानी। अच्छा अच्छा, तो आपको तो पहले सल्यूट है कि आप इतनी मुश्किल रास्तों में भी काम कर रहे हो। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ। सारे झारखंड से हो? क्या बात है, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो आप भी इधर इधर लाइट में आओ। मैं बोलूँगा हिप हिप, आपने बोला हुर्रे, ठीक है? हिप हिप हुर्रे।
हुर्रे हिप हिप शाबाश। अभी तक मैं पानी और उससे जूझ रहा था, अभी देखो पूरी मिट्टी वाला पैच है, फुल ऑफ रोड। अरे भाई मिट्टी देखो कितनी है, पूरे कपड़े की वाट लग गई। संस्कार इज लाइक दिस, पानी ऑफ रोड मिट्टी दल दल कीचड़ सब कुछ। हाँ बस इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जैसे हमने सुना था अभी तक। तो गाइज हम थोड़ा आगे आगे और डिबेट ये हो रही है कि चढ़ाई ज़्यादा मुश्किल है या ढलाई, बट मुझे ऐसा लगता है कि शिंकुला से चढ़ाई सॉरी ढलाई ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन चढ़ाई उससे भी ज़्यादा टफ है। क्योंकि यहाँ से आप देखोगे ये बिल्कुल एकदम ऐसे जा रहा है। भैया क्या टफ है, नीचे उतरना है ऊपर? अभी तो नीचे उतर के तो आ गया ना आप लोग। हाँ अभी तो ऊपर, यहाँ से थोड़ा ऊंचा है ना, ऊंचा है। आते वक्त शिंकुला तक ज़्यादा चढ़ाई नहीं लगी क्योंकि रोड बना है एक तो। हाँ बड़ी बात रोड बना है। और ये देखो धीरज भाई बहुत थक गए हैं, बहुत बुरा हाल हो गया। अंदर चलते हैं भाई, मैं कुछ कहना चाहूँगा इस बार। हाँ कहो भाई। पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं इतना कह सकता हूँ, आप जब किसी भी ऑफ रोडिंग वाले रास्ते से उतरते हो ना, उसमें ज़्यादा प्रेशर लगता है रादर चढ़ने में। सिंपल कभी ट्राई करना, क्योंकि आपका बॉडी का वेट आगे होता है ना कि पीछे। जब ऊपर होता है ना तो गाड़ी का पुल होता है। एक और चीज, आई एम नॉट एग्री विद यू। हाँ जब आप उतरते हो ना आपकी बॉडी का वेट ज्यादा लगता है। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ, इसकी वजह से थकान हो रही है। उतरते हो ना तो पीछे का ब्रेक लगाना पड़ता है, चढ़ते हो ना तो आगे का ब्रेक लगाना पड़ता है भाई। और आगे का ब्रेक लगाओ मीन्स आपका पिकअप गया, आप पिकअप दे ही नहीं पाओगे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग यार। खत्म करते हैं 50-50 है। पानी बहुत जरूरी है, चाय कॉफी बाद में। इग्नोर माई हेयर्स।